हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 24 को। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 24 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो एविडेंस एक्ट के चैप्टर 2 में है और चैप्टर 2 5 से लेकर सेक्शन 55 तक हमारा है। पूरा चैप्टर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में है, यानी कौन कौन से तथ्य सुसंगत होंगे, मींस किस किस तथ्यों का कोर्ट में एविडेंस दिया जा सकेगा, ठीक है। सेक्शन 5 में हमें ये बताया गया कि कोर्ट में दो ही चीज़ों का एविडेंस दिया जाएगा, पहली चीज विवादक तथ्य फैक्ट इन इशू और दूसरी चीज रेलिवेंट फैक्ट्स। तो रेलिवेंट फैक्ट्स जो यानी किसी जजमेंट तक पहुँचाते हैं, तो जो रेलिवेंट फैक्ट है उनके बारे में सेक्शन 6 से 55 तक बताया गया है कि कौन कौन से फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। सेक्शन 24 में हमें बताया गया कि उत्प्रेरणा, धमकी और वचन के द्वारा जो संस्वीकृति ली जाती है वो विसंगत होगी, वो रेलिवेंट नहीं होगी, इरेलीवेंट होगी, ठीक है। प्रॉमिस इंड्यूसमेंट और थ्रेट, उत्प्रेरणा, इंड्यूसमेंट, धमकी और वचन के द्वारा जो भी संस्वीकृति यानी कन्फेशन किया जाएगा वो इररिलेवेंट होगा, वो विसंगत होगा, ठीक है। पूरी सेक्शन में चार चीजें बताई गई है। सबसे पहली चीज बताई गई है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के द्वारा जो कन्फेशन किया जाएगा वो विसंगत होगा, पहली चीज। दूसरी चीज बताई गई है कि ऐसी जो ये धमकी या उत्प्रेरण या वचन जो दिया गया है वो प्राधिकारमान व्यक्ति के द्वारा दिया जाना चाहिए, यानी उस व्यक्ति के द्वारा जो अथॉरिटी रखता हो। तीसरी चीज इसमें बताई जाएगी कि जो ये धमकी या जो वचन दिया गया है या उत्प्रेरणा दी गई है वो आरोप के बारे में, जो आरोप उस पर लगा है आरोपी पर, उस आरोप के बारे में दी जानी चाहिए। और चौथा इसमें बताया गया है कि ऐहिक नेचर यानी टेम्पोरल नेचर, ऐहिक रूप से टेम्पोरल नेचर का लाभ होना चाहिए या किसी बुराई से उसको छूट दी जानी चाहिए। ये इन चारों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले, इस वीडियो से देखने से पहले आपको जो स्वीकृति है वो पता होना चाहिए, संस्वीकृति क्या है वो पता होना चाहिए। तो इस वीडियो से पहले आप जो इस चैनल पर संस्वीकृति की वीडियो है उसके बारे में आप लोग एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक भी, वहां से जाइए और संस्वीकृति के बारे में आप लोग देख लीजिए। अब ये चारों चीज हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज सेक्शन 24 में क्या बताई गई कि धमकी, वचन या उत्प्रेरणा से जो स्वीकृति करता है कोई आरोपी तो वो विसंगत होगी, ठीक है, विसंगत होगी, इरेलीवेंट होगी, मानी नहीं जाएगी, ग्राह्य नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो चार चीजें हैं इनके बारे में बात करेंगे। पहली चीज धमकी, उत्प्रेरण या वचन के द्वारा जो भी संस्वीकृति ले रहा है उसको विसंगत माना जाएगा, ठीक है, यानी ये चीजें उस
जो स्वीकृति करने वाला है उसके दिमाग, उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए, ठीक है। अब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक केस में निर्णय दिया है कि यदि न्यायालय को, यदि कोर्ट को यह प्रतीत होता है कि ये जो स्वीकृति, जो कन्फेशन कर रहा है आरोपी, ये किसी धमकी, वचन या उत्प्रेरण से लिया गया है, यदि प्रतीत होता है तो उसमें सबूत की भी जरूरत नहीं है कि सबूत लिए जाएंगे, ठीक है। यह कौन से केस में है? प्यारे लाल भार्गव बनाम राजस्थान का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि न्यायालय को प्रतीत होता है कि ये संस्वीकृति धमकी से ली गई है तो उसमें सबूत की भी जरूरत नहीं है, उसको ग्राह्य नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो रेलिवेंट नहीं मानी जाएगी। अब दूसरी चीज आती है प्राधिकारमान व्यक्ति। जो व्यक्ति अथॉरिटी रखता है ये धमकी, ये वचन, ये उत्प्रेरणा उसके द्वारा दी जानी चाहिए, ठीक है। अब ये प्राधिकारमान व्यक्ति कौन है? प्राधिकारमान व्यक्ति कौन है? प्राधिकारमान व्यक्ति एक केस है आर वर्सिज विल्सन के केस में कोर्ट ने कहा कि कोई मजिस्ट्रेट, पुलिस कांस्टेबल या उस मजिस्ट्रेट का अर्दली या उसका क्लर्क, इस तरह के जो व्यक्ति है वो प्राधिकारमान व्यक्ति है। समझने वाली यहाँ ये चीज है कि जो व्यक्ति उसको ऐसी धमकी, उत्प्रेरण या वचन दे सके, जैसे किसी अपराधी ने अपराध किया और मजिस्ट्रेट ये कहता है कि भाई मैं बैठा हूँ सीट पर, फैसला मुझे करना है, तू अपना जो जो है कबूल कर ले, तू ये कन्फेशन कर ले, ठीक है, तो ये विसंगत होगी, ये जो कन्फेशन होगा ये विसंगत होगा, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट क्या हुआ? प्राधिकारमान व्यक्ति। या उसका क्लर्क ये कहता है कि मैं बातचीत कर ली है, तेरे को जो है छोड़ देंगे हम, तू अपना कन्फेशन कर ले, जुर्म कबूल कर ले, तो वो भी क्या होगा? विसंगत मानी जाएगी। तो प्राधिकारमान व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो उस केस में, जो उस आरोप में उसको कहे कि भाई मैं छूट देता हूं, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कन्फेशन करता है और वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि भाई तू क्या है, मान लीजिए तीन व्यक्ति है ABC, इन्होंने कोई अपराध किया, ये किसी अपराध के अभियुक्त है, तो पुलिस कांस्टेबल कहता है कि भाई तू मैन जो अपराधी है यही होगा, तू अपराध कबूल कर ले, मैं तुझको इनसे कम धाराएं लगाऊंगा, ठीक है, छोटी धाराएं लगा दूंगा, तो ये क्या होगा? ये कन्फेशन विसंगत होगा। अब जो ये चीज है, जो ये धमकी, उत्प्रेरण या वचन है, ये जो आरोप उस पर लगा है उसी के बारे में होनी चाहिए, ये उसी के बारे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई तू जुर्म कबूल कर ले, इस अपराध का कन्फेशन कर ले, मैं तेरे को उस अपराध में छूट दिला दूंगा, ऐसा नहीं है। जो उस पर आरोप है उस टाइम, जिस अपराध में वो अपराधी है, उसी के बारे में ये होना चाहिए, इसी के रिफरेंस में होना चाहिए, ठीक है, जो चार्ज उस पर है उसी के रिफरेंस में होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे लास्ट बात आती है टेम्पररी नेचर का ये होना चाहिए। एहिक रूप से उसे क्या होना चाहिए? कोई लाभ मिलना चाहिए या किसी बुराई से उसे छूट मिलनी चाहिए, ठीक है। टेम्पोरर नेचर क्या है? टेम्पोरर नेचर ये है कि जैसे कोई मजिस्ट्रेट कहता है कि भाई मैं तुझे इस अपराध में छूट दूंगा, तू जो है अपना कन्फेशन कर ले, तो ये क्या हुआ? एहिक रूप से लाभ हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें वो शामिल नहीं है कि भाई भगवान से डर, भगवान के लिए तो ये कम कर ले, या कोई ये कहता है कि भाई एक अपराध तो तूने कर लिया, अब झूठ मत बोल, नहीं तो तू दूसरा भी पाप करेगा, दूसरा भी अपराध करेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज है, जो इस तरह के ये है, ये
उत्प्रेरण धमकी और वचन में नहीं आएगा, ठीक है, वो उत्प्रेरण धमकी और वचन में नहीं आएगा। जैसे किसी आदमी को कहते हैं कि भाई मंदिर में जाकर तो अपना जुर्म जो है कबूल कर ले, तो उसने मंदिर में जाके जुर्म कबूल कर लिया, कन्फेशन कर लिया, तो वो विसंगत नहीं होगा, वो सुसंगत होगा, रेलिवेंट होगा, ठीक है, उसको स्वीकृति माना जाएगा। तो ये धार्मिकता और नैतिकता, धार्मिकता और नैतिकता के आधार पर विसंगत नहीं होगी संत स्वीकृति, वो एक रूप से लाभ या उसको एक रूप से बुराई से छूट वाली जो होगी वो विसंगत होगी। लेकिन धार्मिकता और नैतिकता के आधार पर जो दी गई है वो संत स्वीकृति, वो सुसंगत होगी, रेलिवेंट होगी। ऐसा ही एक केस था भागीरथी वर्सेज एमपी स्टेट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई ये कहता है कि भाई तू एक तूने पाप कर लिया और दूसरे पाप करने से बच, इसका मतलब ये नहीं है कि ये उत्प्रेरण धमकी या वचन के द्वारा विसंगत होगी, ये रेलिवेंट मानी जाएगी। तो ये हमारी सेक्शन जो है 24 थी, चार चीजें इसमें ध्यान देने वाली है और चार मुझे लगता है ये चारों की चारों आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।